चार मन मिटाएंगे, लेकिन बाकी तो तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। और दागी दामन में लगा ऐसा करना ना चाहिए, डूब पानी न तुमको डूब मरना चाहिए। भगवान इस संसार में इंसान की कीमत कोई नहीं समझता है। भगवान अब ये कोई ना मेरा और यार है।
नहीं बताना चाहती हूँ, तो मुझको जाने दीजिए बाबू, हकीकत ये पूछो नहीं है। भारती के साथ में कैसे क्या ना हुआ, बाप का कत्ल होकर वो सहेली मरी, रे मेरे साथ में बाबू हुआ। शासन गुलामी करता है किसकी,
किसी गुलामी करता है बताओ, क्या देखा है रामपुर बैठे हो? ये शासन गुलामी किसी करता है? इज्जत और तो इज्जत, इस गुलाम की इज्जत नहीं समझती तो क्या स्वरूप होता देखते होंगे कि नेता लोगों की क्या हाल करती है पुलिस। इसी से कहा गया है कि दोस्ती पुलिस की अच्छी है और नहीं अच्छी, क्योंकि दोस्ती करो तो कानून कायदे से काम करो, और जब कानून को खिलौने समझ लिया तो मेरे जैसे ऑफिसर आकर की सारी गुंडई पीछे से निकाल। मैं तुझे जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूं, अगर तुम्हें शिवपाल है तो मैं तुम्हें पत्नी बनाऊंगा, मैं तुम्हें पति का प्यार और समाज में इज्जत दूंगा। मंत्री चरणदास सोनू गुंडा सविता प्रताप सिंह की तारा पक्षी तार से जब तक मैं गुंडे खत्म नहीं कर दूंगा तब तक इससे तक पवन शकून की सांस लेना। लेकिन सर आपने क्या कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, सर क्यों मेरी मजाक उड़ा रही, मैं तो कोटा सिक्का हूँ, अब संसार में मुझे कोई नहीं अपनाएगा। अरे भारती देवी ऐसे बात मत कहो, तुम गंगा की तरीके से पापित हो, हमारी नजरों में दुराचार हुआ, दुराचारियों ने अपनी हत्या की उसका शिकार तुम्हें बनाया है। सर अगर ये बात है तो वाकई में अगर तुम यहाँ पे ना जाते तो मैं अपनी जान को बैठती, आप मेरी इंसानी पकवानी, अगर आपने मुझे पत्नी का लगा दिया है तो मैं भी अपना मैं तुम्हें पति चुनती हूँ। भारती देवी पहले शादी की रस्म पूरी करो, चलो के मंत्री में, और उसके बाद मंत्री चरणदास सोनू गुंडा सविदार प्रताप के नाम ये भाई याद दर्ज करो, कोर्ट में गवाही तुम दे देना, कसम भाई सोनू गुंडा अगर तुम्हें गुंडे ही न खत्म किया तो इस सेंटर पवन सिंह नहीं कहलाऊंगा। लक्ष्य छुपा करके हमसे पाप करो, क्योंकि जो भी इंसान हमारे रास्ते पर रोड़ा फंकता है मैं हमेशा के लिए उसको हटा देता हूं। गुंडाई चलती है हाँ, और चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये किस लिए चलेगी? ये आज की शाम भारती देवी के इसको पीने से इंकार भी मत करो मेरे यारा। ना ना नहीं, इका पेड़ लो का लौट आ गया। नहीं नहीं डॉक्टर, ये वो चीज है कि सारे कम भुला देते हैं। तो तुम्हें कम भुलाओ है।
मोर्चे से न जाने कितने ऑफिसर इस पक्षी तारा थाने के अंदर आए और शोरूम गुंडा को आदाब बजाकर यहां से हिंदुस्तान का सच्चा सिपाही आदाब बजाता है तिरंगे को। अब तक नहीं वो साले फरार आए होंगे। ज्यादा मुबाशा मत कर, अब हिंदुओं ने मेरी पहुंच और ताकत का अंदाजा नहीं देखा है। पहुंच अगर हमने अपनी पहुंच दिखा दिया तो ये वर्दी तेरी जो है ये तेरे जिस्म से जमीन पर तेरी पहुंच को तुम मार छोड़ दूंगा। चलो ले चलो शेरपा ये कहीं तरह ज्यादा गुंडा ही ना देखा नहीं कोई दिन पहले के छूट जाई ले गुंडा ही गाने में घुसी गया। अब यह खबर ठाकुर प्रताप कैसे बताइए अजय वो पैसा लाओ देखो गुंडे ही पर आए काफी समय हुआ भी तक सोच नहीं और सब तरफ सोनू गुंडा हम थप्पड़ मारेंगे। अरे सोनू तो गुंडा है ही रे घुसी गई सोनू गुंडा घुसी गई क्या रे गुंडा ही घुसी गई तो कहना क्या चाहता है। इंस्पेक्टर पवन सिंह पकड़ के ले गए थाने को कुछ हो गया तो मैं बच्चों तालाब को चलाकर खाक कर दूंगा। पावर पावर वो सोने को लेके आना चाहे उसके साथ अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे मंत्री जी के पास चलना चाहिए क्योंकि समस्या का हल मंत्री जी ही चलकर सुना सारी कल की दर्दिया और हमें इस बगल क्या बात है जब मर्दों का असर कभी नीचे नहीं चुका मैं जानना चाहता क्या बात जी कुछ ऐसी बात ही है जिससे जो कहूं तो कहा नहीं जाता है और बगैर कहे मुझसे रहा नहीं जाता है भाई ऐसी क्या बात है और Oh
हाल ही को चलिए मंत्री जी वॉइस डायरेक्टर पवन सोनू को पकड़ करके ले गया है, न जाने उसके साथ में क्या करता होगा। चलिए जल्दी मंत्री ले गया है पवन इंस्पेक्टर, कहीं हमारे नाम वारंट जारी कर दिया तो भाई हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम मंत्री हो न भोरे हो, अब जब आता हूं तो मैं समस्या खड़ी करते हैं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो मंत्री जी, क्या है बता? अगर सोने को कुछ हुआ तो मैं भक्ति तालाब को शमशान बना दूंगा। किसने ऐसा पुरख लिया है जो पवन इंस्पेक्टर ने सोनू को गिरफ्तार? जानना चाहते हो मंत्री जी ये किसके कहने से सब हुआ है? किसके कहने से? करके ले गया है। जल्दी से चलो मंत्री जी, न जाने वो क्या कर रहा होगा। सोनू गुंडा बहुत पावरफुल आदमी है, हमको तो लगता है इसको गिरफ्तार करके इन्होंने अपनी मौत को दावत दिया है। गलती हमने एक बहुत बड़ी किया है, तुम्हें गद्दार करार देकर के शूट नहीं किया। तुम्हारी दोनों की माता ज्योति से हम अच्छी तरीके से वाकिफ है। अगर वर्दी पहना है तो देश की रक्षा करो, झुकना है तो इंसाफ के आगे झुको। जरा दिखा उस गुंडा को, देखे उसके दिल्ली में कौन मौसम। सर ये आगे राधे श्याम, ये अशोक निवासी है, ये 20 रुपए आपके इंसाफ पे।
आपके हिसाब के लिए देते हैं। पत्थर को पीस कर आज तक मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीस कर आज तक मैदा नहीं हुआ। और ये ईमानदार ऑफिसर के सामने कर जाए कोई कुंडली, ऐसा कुंडा पैदा बिगाड़ो इसकी माँ को छोड़ो। अच्छा हुआ ऑफिसर, जो हमारी पहुंच और ताकत का पता तुम्हें चल गया, हमारे हाथों के हथकड़ी खुलवा दिया। शुक्र इस बात का मनाओ, अगर कहीं हमारे हाथों की हथकड़ी न खुलती इंस्पेक्टर, तो वर्दी तो बहुत दूर रही। जो ये सितारे तेरे पक्षी में लगे हैं, भगवान कसम ये सितारे तेरे नोच का जबान को लगाम दे, वरना हलक के हाथ डालकर हाथ हलक में जबड़ा तेरा खींच लूंगा। हथकड़ी इसलिए खुलवाया है कि पूछताछ का फिर मजा नहीं आता, पहले मुरैठा खोल तेरी माँ को छोतू। अपना कौन मौसिया तेरे दिल्ली में है? नहीं बुरा, तू नहीं करेगा। पुलिस का खौफ तेरे दिल से निकल गया? नहीं निकल गया, तू नहीं करेगा। से इस तरीके से बात करने थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों तो तूने गिरफ्तार किया है? दफा इसने क्या किया है? क्या किया है इसने? कहां से शुरू करो? एक ही प्रूफ मेरे सामने पेश कीजिए। एक नहीं अनेक प्रूफ ऐसे पेश करूंगा मंत्री साहब, जिनको सुनते ही जज का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं, स्वयं साले को मार दे दिया। एक ही जुर्म इकरार कीजिए मेरे सामने। भरतलाल पत्रकार एक समाज से भी इंसान, उस हाँ बोलो बोलो, उसका कत्ल पीर चौराहे के ऊपर इसने किया। इसके खौफ से किसी ने गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई भी इंसान। एक पब्लिक सर्वेंट दिन दहाड़े चौराहे के ऊपर मारा जाता है पत्रकार, और ये कोई गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है? किरण लड़की एक मशहूम जिसने गवाही देने के लिए तैयार हुई। अच्छा, आज ये सोनू गुंडा उसका भी अदालत जाने से पहले कत्ल कर देता है। एक लड़की के बाप को चारों की तरीके से काट देने के बाद उस मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती रेप किया है। कहां तक बताऊं इसमें कैसा? देखिए ये सब आपसी बात है, यहां काफी कई अधिकारी आए, सब हमसे हाथ मिला कर रहे। दोस्ती अच्छी होती है, दुश्मनी नहीं। ओके,
बल्कि मेरी घड़ी नहीं बल्कि गोदाम की चौखट चुनते थे। इस केस में मैं तुम्हें 50,000 रुपए नगद दूंगा और सोनू के हाथ की हथकड़ी खुलवा दीजिए। मंत्री साहब, हाँ बोलो। ये पुलिस की नौकरी हमने पैसा पैदा करने के लिए नहीं पहना है, बड़ी गुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए और गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए। हमारे घर पर बाप दादों की इतनी रकम है कि हम आराम से खा सकते हैं, और हाँ हम अगर चाहे तो इसी वक्त तुम्हें रुश्वत देने के सुर में गिरफ्तार। तुमने मेरे हाथ में हथकड़ी लगाकर अच्छा नहीं किया है,
सुकर बना हथकड़ी ही लगाया, नहीं तो ये पूजा काट देता मैं। अब चल, मेरी वर्दी की बात करता था, अब दो सितारे लगे हैं हमारी वर्दी में। कभी भूल कर बिल्ला वाले से मत अर्चना, वरना तेरी मां चोट डालूंगा। सर आप एक यस सर, मध्य काला के एक नहीं शनिवार और जिनका चाइडो चुन सिंह मंत्री चरणदास भी है और इन लोगों के हाथों में हथकड़ी लगा दिया। सर मंत्री चरणदास एक समाज से भी इंसान होकर लड़कियों की असमत का बिल्कुल खिलौना समझता है। मैंने इसको दफा 76 में गिरफ्तार किया है और इसका साइडो जमींदार प्रताप सिंह, इसके कहने पर ये सोनू गुंडा ने दो दो कत्ल किया है। तुम्हारे पास इसका साबूत क्या है? जिस समय अदालत में पेश करूंगा साहब तो होश ठिकाने आ जाएंगे। जब के थाना बत्ती तालाब के अंदर तुम आए हो, पुलिस के सामने एक ना एक भवान लाकर खड़ा कर दिए, समझा? ऐसा मैंने क्या किया है? ऐसा चाल भी किया तुमने, और एक बात तुम्हारे बारे जमीन आ रहा, मंत्री चरणदास लोगों ने अपना कीमती और देकर इन्हें मंत्री बनाया है, जिनके हाथों ने हथकड़ी लगा दिया, अपने उपचार को भूल गए। मैं नहीं सर, अरे मंत्री जब तुम्हारे दिल दिमाग के अंदर घमंड पैदा हो गया है, तुम्हारा दिमाग खोखला हो गया क्या? अब साहब इनके खिलाफ मेरे पास सबूत कोई कागज पर लिखा हुआ नहीं है। जीतना जानता ऐसा सबूत है जो अदालत में सीना ठोक के कहेगा कि इन लोगों ने अपना भ्रष्टाचार किया। इन लोगों के खिलाफ बहुत से इन लोगों के खिलाफ दुश्मन उनसे है बच्चे तालाब के अंदर, और उनके कहने से तुम उनके हाथों में हथकड़ी डाल दिया। एक बात बताओ, तुम सीनियर हो या मैं? आप हैं सर मुंशी राम का हथकड़ी खोल। शुक्रिया भाई।
किस तरीके से ईमानदार अफसर अपनी ड्यूटी निभा पाएगा, क्योंकि जब ईमानदार अफसर ड्यूटी निभाने के लिए तैयार होता है तो ऊपर से उसके सीनियर आकर के उसको दबा देते हैं। आज पक्षी तालाब में दिन दहाड़े दंगा फसाद कतलेआम पराने पहन बेटों की इज्जत को खिलाने के तरीके से लूट के फेंक देता है। आज जब पुलिस उसको पकड़ती है तो एक अफसर आकर के बाइक उसे छोड़ने का आदेश दे देता है। अरे साहब, इस थाने में यही होता है, कोई मुलजिम पकड़ के लाया जाता है, हलो हो जाता है, मजबूरी में मुलजिम को छोड़ना पड़ता है। समझ गए, अब मुझे वही नीत अपनाना होगा जो रामायण में कुंभकर्ण रावण की हत्या का पालन किया था। नहीं, भाई जरूर था, लेकिन उसने ये निश्चय कर लिया कि युद्ध नहीं करूंगा तब भी मार दूंगा, मारा जाऊंगा, और युद्ध किया तो मर्यादा पोस्टर राम के हाथ से मारा गया तो उतर जाऊंगा। जो देश का नहीं वो हमारा कभी नहीं हो सकता। मंत्री जयदास सोनू कुंडा समीदार प्रताप सिंह का आतंक के हाथ के हो, क्योंकि यश भी अजगर जैसे उसका साथ है। पेड़ को ही जड़ से काट तो उठा होता है काम से, यश भी अजगर साहब आ रहा। जब तक मैं थाने में वापस नहीं आता है तो सर कोई भी इंसान आए उसका सम्मान करो, मेरे आने का इंतजार करो। जी सर। यशी अजगर साहब। जी सर। हमारे दोस्तों के कारनामे जान चुका है, लिहाजा आज शाम को सारे को ले जाऊंगा शहर के बाहर का समय और वही बैठक कर पहुंचा शाम तक और दिखा दूंगा डाकू भवानी सिंह की मुठभेड़ में चक्कर पवन मारा। लेकिन आज से एक ही सवाल है हमारा, क्या कि मंत्री चरणदास जमींदार प्रताप सिंह सोनू गुंडा एक क्रिमिनल इंसान है और ऐसे इंसानों के खिलाफ जीता जागता ठोस सबूत है मेरे पास। मेरी एक बात न सुनने पर आपने उन दारिंदों को छुड़वा करके क्या पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है? नहीं, हमारी समझ से आपने पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी। इंस्पेक्टर पवन, यस सर, क्या इन लोगों ने किया है, क्या नहीं किया, क्या किया? एक समाज सभी इंसान भरत लाल पत्रकार जिसका पीठ चौड़ा है जो बड़ी सोनू गुंडा कदम करता है जिसे शराबों के अंदर जाना चाहिए, आज वही पुलिस के ऊपर रोक चला रहा है। इंस्पेक्टर पवन, तुम्हें मालूम होना चाहिए भरत लाल पत्रकार का खून जिस टाइम हुआ था, खून होने से पहले दो दिन पहले हमें इस बात की खबर थी कि इस भरत लाल पत्रकार का खून होने वाला, फिर भी उसके जान माल की हिफाजत करना तो आपका कर्तव्य था। क्या आपने उसकी बचाव के लिए कोई और दूसरा क्या गुनाह किया? लोगों ने भरत लाल पत्रकार की जसमती गवाह जिसने खुद अपनी आंखों से देखा सोनू गुंडा को कत्ल करते हुए, उसकी गवाही से सोनू गुंडा को सजा है, उम्र का इतनी मौत भी हो सकती थी। आज उस गवाह को अदालत जाने से पहले ये सोनू गुंडा उसे मार देता है। यस सर। तो मैं मालूम होना चाहिए किरण देवी अदालत जाने से पहले उसका मर्डर हो गया था और मर्डर होने से पहले एक घंटा पहले हमें इस बात की खबर हो गई थी कि किरण का फोन होने वाला, तो सरकारी गवाह की तो थी, उसकी रक्षा की तो जिम्मेदारी पूरी बनती थी पुलिस की, और फिर भी आज वो गवाह मानकर वो सोनू गुंडा अपने को बहुत बड़ा माफिया कहला रहा है।
और तुम कानून के पुजारी बनते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए जमीन और प्रताप सिंह और भरत मो नेता चरमदास जिनसे इन लोगों के हाथ में हाथ मिलाकर नहीं चलोगे, कंधे में कंधा मिलाकर नहीं चलोगे, तो वर्दी एक कफन के रूप में बदल सकती है। तुम लोग का मजबूरी में बैठे हो क्या? ये बताओ, नहीं मजबूरी में बैठे हो, ये तुम्हारे सामने बकवास कर रहे हैं, इन्हें जा तुमको मरा नहीं कर सकते, तो बच्चे हैं, लेकिन उससे ज्यादा तुम बच्चे हो। संगीत एक नैतिक शिक्षा है, कला भी है, इसको देखोगे तो गलती नहीं करोगे भविष्य में। अब पुलिस को चूतिया मत समझना, दो चार को कहा जमीन होगी, बेच के काले कोट वालों को ₹200 दे, गवर्नमेंट चेयरमैन क्यों नोशन है कहो। इन लोगों से कंधे में कंधा मिलाकर चलोगे, और जब पुलिस डिपार्टमेंट का जवान इंस्पेक्टर तालाब खाने के अंदर आया, वो कंधे में कंधा मिलाकर चला। जबकि हम लखीमपुर थाना मिलाकर के अंदर एक दरोगा थे दरोगा, और वहां से जब बच्ची तालाब के अंदर थाना बच्चे तालाब के अंदर आया, तो इंस्पेक्टर इन्हीं लोगों की बात हो रहा, और इंस्पेक्टर से हमने ऐसे कारनामे दिखाए लोगों को, यार लक्ष्मी हूं लिहाजा मेरी नसीहत दिल और दिमाग के अंदर अच्छी प्रकार से डालना। और जो वर्दी पहनते वेश पहले तिरंगे के नीचे खड़े होकर जो हमने कसम खाई सर, उसको आज भूल जाए मंत्री चरणदास, दिन दहाड़े अनाथ लड़कियों के साथ, मासूम लड़कियों के साथ, प्यारी बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मत को खिलौना समझे, पुलिस के उसको अनदेखा करने गया, शोरू गुंडा कत्ल करे, अगर पुलिस वाला कानूनी कायदे से उसे गिरफ्तार करना चाहे तो ये बुरा है। अनदेखा समझो क्योंकि अहदे पे तैनात हूँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए वर्दी क्या है, भूल जाओ तिरंगे को, भूल जाओ भारत माता की लाश को, ये वर्दी एक नोट पैदा करने की मशीन है। नोट पैदा करने की मशीन है, बड़े आदमी को पकड़ोगे तो नेता दिखाए कि एमपी एमएलए का फोन आ रहा है, लाभ होला उसे छोड़ना पड़ेगा, पकड़ना है तो किसी गरीब माधव चोट को पकड़ो और उसके घर वालों के सामने से उस पर लाठी चला दो, पटा चला दो, उसकी हालत देखकर घर का जेवर जमीन बेच के सरकारी चलाओ, बहुत बड़े पैसे वाले हो जाओगे, और जब पैसे वाले होंगे गाड़ी घोड़ा होगा, हवेली होगी तो समाज में इज्जत होगी, इसलिए अपना वसूल जानते हो क्या है, बड़े लोगों से बोलता नहीं और गरीब को समझ गया सर। आपकी नसीहत मेरे दिल और दिमाग में समा गई है, यदि हम थाना बख्शी के तालाब में ड्यूटी करें तो मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा, समीदार प्रताप सिंह कुछ भी करे, इसको हम अनदेखा करें, अनदेखा नहीं करोगे तो समझ लो कि तुम ही तुम्हारी अखंडता करती है, बड़ी राय में तुम्हारे मकान समझ गया सर। मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद कोई शिकायत का मौका आपके सामने नहीं आएगा। और सुनो, मैं स्वच्छ अमीनाबाद जा रहा हूं, यस सर, दो घंटे के बाद हम थाने के अंदर तैनात होंगे, वहां सब थाने के अंदर तैनात होंगे तो हम तुम्हें कुछ और नसीहत देंगे, अब बताने की कोई जरूरत ही नहीं सर। अच्छा, मैं आपकी हर बात समझ गया हूं, समझदार हो, ठीक है, यस सर। Thank you.
वो इस सेक्टर पवन का नहीं, मर गया मादर चोट डेहरिया। राधे श्याम ग्राम भाषाओं की तरफ से ये 10 रुपए शहद तुम्हारे लिए। कहावत में तो सुना होगा, मैं मेरी सुग्रीव तियारा के कारण नाथ मोहिमा। मैंने गलती किया है एक ऑफिसर को मारकर, लेकिन जब दिमाग दौर आएंगे तो हमने तो गोली ही मारा है, तुम इसकी इतिहास ही बदल दोगे। क्योंकि ये देश में एक समाज सेवी इंसान नहीं था, ये धरती माता सारा दलाल था। पूरे डिपार्टमेंट के नाम पर अफसर नहीं, ये कलंक पे मरता सिपाहियों। क्या देख रहे हो, यशवी अजगर साहब है, उठेंगे कहां से, उठेंगे कहां से, क्योंकि इन्हें इस तरीके से लिटा दिया गया है, अब ये सीधे ऐसे ही लेते रहे। हाँ, इस बाटी को उठाओ। यशवी अजगर साहब कुछ डाकू बहारी सिंह के विषय में हमें बतलाने वाले थे, हम यशवी अजगर साहब से मिलने आए तब मौके पर यह साहब नहीं साहब की डिस बॉडी सामने आई है। ऐसा कोई साबूत मौके पर कोई गवाह नहीं ताकि कातिल को पकड़ा जाए। हेलो, ये आ गए रामदार ठेकेदार, ये पहाड़पुर की तरफ से ये 20 रुपए साहब तुम्हारे इंसाफ के लिए दिए। कमिश्नर साहब के मैसेज भेजो, मैसेज भेजो कमिश्नर साहब के पास। जी सर। डीएसपी अजगर साहब ड्यूटी पर नहीं थे, रॉलबर और सरकारी बिल्ले